दोस्तों, अगर आप एक बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, आप कंफ्यूज्ड हैं कि हम क्या बिजनेस शुरू करें, तो आज हम आपको यहां पर 10 बिजनेस आइडिया बताने वाले हैं। ये 10 बिजनेस दोस्तों सबसे हटके हैं और बहुत ही पॉपुलर है। इन बिजनेस में से कोई भी बिजनेस अगर आप एक बार शुरू कर देते हैं तो आप अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। दोस्तों, जो बिजनेस आज हम बताने वाले हैं, इन्हें आप एक गांव से लेकर बड़ी सिटी तक कहीं पर भी शुरू कर सकते हैं। यानी कि अगर आप गांव में रहते हैं तो आप अपने आसपास एक ऐसी लोकेशन जहां पर यह बिजनेस शुरू हो सकता है वो लोकेशन खोजनी है, और सिटी में भी कोई भी बिजनेस दोस्तों स्पेशल रूप से सिर्फ लोकेशन पर निर्भर करता है। आपका बिजनेस कितना भी अच्छा क्यों ना हो, अगर लोकेशन सही नहीं है तो वो बिजनेस नहीं चलता है। तो ये जो 10 बिजनेस हैं, ये लोकेशन बेस्ड पर हैं। अगर सही लोकेशन पर इन 10 बिजनेस में से कोई भी बिजनेस आप शुरू कर देते हैं तो आप कम से कम महीने का 50,000 रुपए से लेकर 2 लाख रुपए तक आसानी से कमा सकते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय भदौरिया, विजय बिजनेस आइडिया में आपका स्वागत है। सबसे पहले बात की जाए एक ऐसे बिजनेस की जो सबसे पॉपुलर है, वो है मेडिकल बिजनेस। जी हां, अगर आप एक मेडिकल स्टोर खोल लेते हैं एक ऐसी लोकेशन पर जहां पर आसपास 2-4 डॉक्टर रहते हो, आज के समय में 2-4 डॉक्टर तो आपको एक गांव क्षेत्र में, लोकल क्षेत्र में भी देखने को मिल जाते हैं। अगर आप एक मेडिकल स्टोर खोलते हैं तो यहां पर आपको प्रॉफिट बहुत ज्यादा होती है। और मेडिकल स्टोर खोलना दोस्तों बहुत आसान है। यानी कि वैसे तो मेडिकल स्टोर खोलने के लिए आपको एक डिग्री की आवश्यकता होती है, अगर वो डिग्री आपके पास है तभी आप खोल सकते हैं। लेकिन इसका भी एक सरल उपाय है कि आप दूसरे की डिग्री को, यानी कि उसको डिग्री ले सकते हैं और उसको हर महीने थोड़ी सी पेमेंट देनी होती है और आपका काम हो जाता है। तो ये सिस्टम अलग है। अगर आप चाहते हैं कि कैसे हम किसी से जो डिग्री है वो किराए पर ले सकते हैं, इसकी विस्तार से जानकारी चाहते हैं तो कमेंट कीजिए, वो हम तरीका भी बता देंगे कि कौन सी डिग्री है और ये कैसे मिलती है, कैसे हम अपना मेडिकल स्टोर खोल सकते हैं, वो भी बिना किसी विशेष एजुकेशन के। यानी कि अगर आप ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है तब भी आप मेडिकल स्टोर खोल सकते हो, अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। दोस्तों, मेडिकल स्टोर में बहुत ही अच्छी कमाई होती है। बहुत सारे मेडिकल पे आप दवा लेने जाते हो तो वो 10% से लेके 20% तक आपको डिस्काउंट दे देते हैं। और बहुत सारे मेडिकल वाले क्या करते हैं, A to Z जितना पैसा MRP लिखा हुआ है पूरा पैसा वसूल करते हैं। तो सोचिए, जो 20% डिस्काउंट दे रहा है क्या वो पैसे नहीं कमा रहा है? वो भी पैसे कमा रहा है। और जो डिस्काउंट नहीं दे रहा है क्या वो नहीं कमा रहा? वो भी कमा रहा है। तो आप समझिए कि यहां पर बहुत ज्यादा कमाई है। आपको 10% से लेकर 40% तक की प्रॉफिट देखने को मिल जाती है मेडिकल स्टोर में। इसका विस्तार से हम वीडियो आगे बनाएंगे क्योंकि वीडियो बड़ा हो जाएगा। बात करते हैं दूसरे बिजनेस की। दूसरा बिजनेस है दोस्तों, साड़ी सेंटर खोल लीजिए। जी हाँ, आज के समय में दोस्तों ज्यादातर बिजनेस ऑनलाइन हो गए हैं, पर जो साड़ी वाला बिजनेस है ये मैंने गौर किया है ये ऑफलाइन ही चल रहा है। लोग ऑनलाइन साड़ियां तो मंगा लेते हैं पर उनमें रुचि ना आने के कारण वो वापस चली जाती हैं। यानी कि जो हमारी माताएं बहनें हैं वो ऑफलाइन स्टोर से ही साड़ियां खरीदना पसंद कर रही हैं। और अगर आप चाहें तो रेडीमेड कपड़े, पैंट टी शर्ट जो होते हैं इनको तो हम ऑनलाइन मंगा सकते हैं, सही से आ जाते हैं। लेकिन जो साड़ियां होती हैं दोस्तों, इनका काम ऑनलाइन सही से नहीं चल रहा है, तो इस कारण ये ऑफलाइन स्टोर इसके बहुत अच्छे चल रहे हैं। तो अगर आप एक साड़ी सेंटर खोल लेते हैं, साड़ी की दुकान खोल लेते हैं एक अच्छी सी लोकेशन पर, क्योंकि जो शादियां वगैरह होती हैं, आप समझिए जितनी भी शादियां होती हैं तो उनमें जो चढ़ाया चढ़ाया जाता है, जो साड़ियां दिखाई जाती हैं, ले जाई जाती हैं, तो वो क्या होती है, ऑफलाइन ही खरीदी जाती हैं। तो अगर आप एक साड़ी सेंटर खोल देते हैं तो अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। अब बात करते हैं तीसरे बिजनेस की। तीसरा बिजनेस है दोस्तों, ग्रोसरी शॉप। जी हाँ, ग्रोसरी यानी कि राशन की दुकान। ये भी दोस्तों एक सदाबहार बिजनेस है। अगर आपको पैसे कमाने हैं तो एक ऐसी लोकेशन या एक ऐसी कॉलोनी देख लीजिए जिसके आसपास ग्रोसरी शॉप या तो नहीं है, और है भी तो एक या दो है, तो उनके आसपास अगर आप अपनी एक ग्रोसरी शॉप, राशन की दुकान खोल देते हैं तो बहुत ही अच्छी चलती है। क्योंकि राशन की दुकान एक ऐसी चीज है जो हर घर की जरूरत है, हर एक घर में कुछ ना कुछ अक्सर शॉर्ट बना ही रहता है। तो अगर आप सही लोकेशन पे एक अच्छी सी ग्रोसरी शॉप खोलते हैं तो अच्छा खासा प्रॉफिट देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं चौथे बिजनेस की। चौथा बिजनेस भी दोस्तों बहुत ही अच्छा है, फास्ट फूड सेंटर। आज के समय में दोस्तों आप देख रहे होंगे फास्ट फूड की बहुत ही ज्यादा डिमांड निकल रही है। यानी कि गांव से लेकर सिटी तक हर जगह
फास्ट फूड के लोग दीवाने हैं, यानी कि लोग फास्ट फूड ज्यादा खाना पसंद करते हैं, तो आपको क्या करना है, एक अच्छी सी लोकेशन देखनी है और एक अच्छा सा हलवाई मैकेनिक जो भी मतलब कि फास्ट फूड तैयार कर लेता है ऐसा एक लड़का खोजना है। तो आपको केवल लोकेशन और एक लड़का खोज करके जो भी अच्छा फास्ट फूड बना लेता है खोज लेना है और उसके द्वारा एक अच्छी लोकेशन पर आप पैसे कमा सकते हैं। दोस्तों बहुत ही अच्छा बिजनेस है फास्ट फूड का बिजनेस जो है कम पैसे में शुरू हो जाता है, यानी कि इसमें इन्वेस्टमेंट बहुत कम होता है और प्रॉफिट बहुत ज्यादा होती है, तो आप फास्ट फूड खोलकर भी पैसे कमा सकते हैं। अब बात करते हैं पांचवें बिजनेस की। पांचवा बिजनेस है दोस्तों कैटरिंग का बिजनेस। कैटरिंग दोस्तों आज के समय में सबसे अच्छा बिजनेस चल रहा है, इसमें आपको लगाना कुछ नहीं होता है, सिर्फ आना ही आना होता है। कैटरिंग में क्या होता है दोस्तों, जो शादी वगैरह होते हैं, पार्टी फंक्शन होते हैं, इसमें क्या होता है आपको खाना तैयार करना होता है। तो अगर आप स्वयं हलवाई हैं, आप स्वयं बना सकते हैं तो बहुत अच्छा है, और नहीं भी बना सकते हैं तो दो चार आपको केवल हलवाई रखने हैं जो कि अच्छा खाना बना लेते हो, हर तरीके मिठाइयां बना लेते हो, हर तरीके की सब्जियां बना लेते हो, तो जो भी अगर आप इस प्रकार का स्टाफ रख सकते हैं तो आप एक कैटरिंग बिजनेस शुरू कर सकते हैं। हर जगह आज के समय में गेस्ट हाउस हो गए हैं, यानी कि गांव में जो हमारी नॉर्मल शादियां होती हैं उनमें भी कैटरिंग वालों की आवश्यकता पड़ती है, और जो गेस्ट हाउस में शादियां हो रही है वहां पर भी आवश्यकता पड़ती है। कैटरिंग का बिजनेस काफी अच्छा है, बहुत अच्छी तरीके से चलता है। अगर आप चाहें तो कैटरिंग पर हम विशेष वीडियो बना सकते हैं जिसमें हम आपको डिटेल से बता सकते हैं कि कैटरिंग का बिजनेस आप कैसे कर सकते हैं, कैटरिंग बिजनेस के लिए आपको कितना इन्वेस्टमेंट करना होगा, क्या क्या आपको चाहिए, इसके लिए हम डिटेल से आपको वीडियो बता देंगे अगर आप कमेंट करेंगे। अब बात करते हैं छठवें बिजनेस की। छठवें बिजनेस के रूप में आप एक ऑटो पार्ट्स की दुकान खोल सकते हैं। जी हां, चाहे बाइक ऑटो पार्ट्स हो, थ्री व्हीलर ऑटो पार्ट्स हो, फोर व्हीलर ऑटो पार्ट्स हो, या टू व्हीलर ऑटो पार्ट्स हो, कोई भी एक दुकान खोल लीजिए। आप देख रहे होंगे कि ऑटो पार्ट्स की दुकानें बहुत ज्यादा खुल रही हैं। क्यों खुल रही हैं? क्योंकि एक दुकान पर सिर्फ आपको एक बार सिस्टम लगाना होता है, एक बार अपना दुकान पर पूरा सेटअप कर लीजिए, एक आध मैकेनिक रख लीजिए और बैठे बैठे कस्टमर स्वयं आपके पास खोजते हुए आता है और आपसे कुछ ना कुछ सामान लेकर जाता है। और अगर सामान लेके नहीं जा रहा है तो वहीं पर रिपेयर कराएगा तब भी पैसा मिलेगा, और अगर वो सामान खरीद कर ले जा रहा है तब भी पैसा मिलेगा। तो एक बार आप ये भी सोच सकते हैं कि आप ऑटो पार्ट सर्विस सेंटर खोल लीजिए या फिर ऑटो पार्ट्स की दुकान खोल लीजिए और अपना बिजनेस शुरू कर दीजिए। अब बात करते हैं सातवें बिजनेस की। सातवां बिजनेस भी दोस्तों बहुत ही पॉपुलर है, बहुत ही अच्छा बिजनेस है। अगर आप पैसा कमाना चाहते हो तो एक बेकरी शॉप खोल दीजिए, है ना। बेकरी शॉप में दोस्तों बहुत ही ज्यादा पैसा है। अब दोस्तों पैसा बेकरी में ज्यादा क्यों आ रहा है, आप पहले ये समझिए। बेकरी में सबसे ज्यादा वैसे तो बहुत सारे प्रोडक्ट पेटीज वगैरह होते हैं, बहुत सारे आइटम बिस्किट्स वगैरह होते हैं, तो ये भी चलते हैं, लेकिन केक सबसे ज्यादा चलती है। अब क्या होता है दोस्तों, पहले क्या था कि कोई बर्थडे वगैरह भी नहीं मनाता था तो बर्थडे में भी नहीं जाते थे, अब तो बर्थडे तो हमेशा मनती है हर एक व्यक्ति की। एक घर में अगर चार सदस्य हैं तो चार सदस्य की मनाई जा रही है, इसके अलावा शादी की सालगिरह मनाई जा रही है, तो कई तरह के ऐसे अक्सर मौके आ जाते हैं जहां पर लोग केक काटना पसंद करते हैं, तो केक का बिजनेस काफी अच्छा चल रहा है। तो इस कारण बेकरी की एक दुकान खोल लीजिए, वहां पर पेटीज से लेकर बिस्किट वगैरह है और बहुत सारे ऐसे बेकरी प्रोडक्ट हैं जो बहुत ज्यादा बिकते हैं और ये कम पैसे में शुरू हो जाती है, अच्छा खासा प्रॉफिट देती है, तो बेकरी शॉप के बारे में भी आप सोच सकते हैं। अब बात करते हैं नंबर आठवें बिजनेस की। दोस्तों आठवां बिजनेस भी दूसरे बिजनेस की अपेक्षा ज्यादा अच्छा है, क्योंकि आज के समय में लोग घर से जब बाहर निकलते हैं तो कुछ देर बाद उन्हें नाश्ता पानी की आवश्यकता पड़ती है। तो अगर आप एक नाश्ता की दुकान खोल लेते हैं, है ना, वहां पर चाय, पूड़ी, सब्जी, पूड़ी, छोले भटूरे, या फिर जलेबी या मिठाइयां, जो भी आप रख सकते हैं एक अच्छी सी लोकेशन पर जहां पर बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ रहती हो, आप एक ऐसी लोकेशन का चयन करो और उस लोकेशन पर एक नाश्ता हाउस खोल लो, यानी कि लोग जो भी आएंगे वो वहां पर नाश्ता कर सकते हैं। नाश्ते से संबंधित काफी ज्यादा अगर आपके पास वैरायटी है तो आपको ज्यादा फायदा मिलेगा। तो आप क्या कर सकते हैं कि नाश्ता हाउस खोलकर पैसे कमा सकते हैं। ये बिजनेस दोस्तों ज्यादातर लोकेशन पर निर्भर करता है, अगर अच्छी सी लोकेशन आप खोज सकते हैं तो ये बिजनेस सबसे परफेक्ट है। अब बात करते हैं नौवें बिजनेस की। नौवां बिजनेस भी दोस्तों दूसरे बिजनेस की अपेक्षा अच्छा है, यह है बुक सेंटर। अगर एक कॉपी किताबों की दुकान खोल देते हैं, जो भी स्टेशनरी है इसका सामान आप रखते हैं तो काफी अच्छी चलती है, लेकिन इस प्रकार की दुकान
आपको ज्यादातर इस लोकेशन पर खोलनी है जहां पर आसपास स्कूल हो। जितने ज्यादा स्कूल होंगे उतनी ज्यादा आपकी दुकान चलेगी। ऑफिस वगैरह भी पास में है तो और भी अच्छा है, क्योंकि ऑफिस से लेकर जो स्कूल है हर जगह स्टेशनरी का, रजिस्टर का, कॉपी किताबों का डिमांड बना रहता है। तो आपको केवल एक लोकेशन देखनी है और उस लोकेशन पर ये बिजनेस शुरू कर देना। बहुत ही अच्छा बिजनेस है दोस्तों, और अच्छा चलता है, प्रॉफिट काफी अच्छे मिल जाते हैं। अब बात करते हैं आखिरी बिजनेस, दसवें बिजनेस की। दोस्तों दसवां जो बिजनेस है ये सबसे हटके है, और इस बिजनेस में आपको इन्वेस्टमेंट ना के बराबर करना है, यानी कि कम से कम इन्वेस्टमेंट में ये बिजनेस शुरू हो जाता है। मोबाइल रिपेयरिंग का बिजनेस, मोबाइल रिपेयरिंग का काम सीख लेते हैं तो आप इसमें अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। दोस्तों ये बिजनेस एक ऐसा बिजनेस है जिसमें आज दिन तक कोई कुछ जान ही नहीं पाया। कोई भी चीज अगर खराब हो रही, कोई पार्ट्स खराब हो रहा है, तो कस्टमर को ये पता ही नहीं होता कि इसकी एक्चुअल प्राइस क्या है। यहां पर कमाई करने का सबसे ज्यादा प्रॉफिट मिलता है। कोई चीज 10 रुपए की आ रही है और कस्टमर को अगर आप वो 200 रुपए में डाल रहे हो तो वो डलवा लेगा, क्योंकि उसे नहीं पता कि ये एक्चुअल कीमत क्या है। इस मोबाइल में जो डिस्प्ले टूट गई इसकी एक्चुअल कीमत क्या है उसे नहीं पता, उसका स्पीकर खराब हो गया उसे नहीं पता, कैमरा टूट गया उसे नहीं पता कि इनकी कीमत क्या है, यानी कि यहां पर आप मोह मांगी कीमत ले सकते हैं। तो ये बिजनेस काफी अच्छा है, और इस बिजनेस में सिर्फ आपको रिपेयरिंग करना सीखना होता है। तो आप कहीं पर भी जाकर 6 महीने की एक ट्रेनिंग ले लीजिए, और उस ट्रेनिंग के बाद अपनी अच्छी सी लोकेशन पर ये बिजनेस शुरू कर दीजिए, पैसे कमाइए। तो दोस्तों बहुत ही अच्छे ये 10 बिजनेस है। 10 बिजनेस में कोई भी बिजनेस अगर आपको पसंद आता है तो एक बार ट्राई जरूर कीजिए, अच्छा खासा पैसा आप कमा सकते हैं। तो दोस्तों ये था मेरा आज का वीडियो, आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें। दोस्तों वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।